नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। शनिवार को रेवाड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रदेश विकास के मामले में पटरी से उतर गया है। प्रदेश की जनता ने बीजेपी जेजेपी को भेजने और कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है। रेवाड़ी शहर के अलावा विभिन्न जगह सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नारनौल जाते वक्त पूर्व मंत्री ML रंगा और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं कुंड में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महावीर मसानी के नेतृत्व में समर्थकों ने उसका स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में देश भर में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार पर जमकर शब्दबाण चलाए। कहा कि प्रदेश पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। पिछले 9 सालों में कई बड़े घोटाले हुए हैं। खुद को पाक साफ कहने वाले लोग इन घोटालों को दबा गए। हर विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है। सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। प्रॉपर्टी ID से लेकर परिवार पहचान पत्र के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।